चार सिपाही के अनोखी पहल से सैकड़ों मासूमों का जीवन सवर रहा है। महेश कुमार नेताम के साथ और चार जवान अपने सैलरी कुछ राशि जमा कर चार अनाथ बच्चों के लिए प्रयास संस्था की स्थापना की थी। एक साल में इस संस्थान ने लगभग 200 से ज्यादा अनाथ असहाय गरीब बच्चों की पढ़ाई से लेकर खान पान की जिम्मेदारी उठाई है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने प्रयास संस्थान पहुंचे और बच्चों से बात कर जानकारी ली और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। साथ जवानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इन सिपाहियों का प्रयास गौरव से कम नहीं है। पुलिस वालों के लिए हम और आप लोगों का एक धारणा बन गया है जो हम सबको पता है, लेकिन आज उनका वो रूप हम आपको दिखाने वाले हैं जो अनछुपा है, राजधानी के किसी कोने में दबा हुआ है, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ पुलिस वाले भाई हैं जिनके प्रयास से आज सैकड़ों बच्चे अपने भविष्य को गढ़ रहे हैं। तो आपको कैसे लगा, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आप ये प्रयास संस्था का निर्माण करें, इसमें बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं? ड्यूटी के दौरान हम लोग अपने साथ में अपने साथियों के साथ घूम रहे थे, तो कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, उनसे रोक के हमने पूछा, नशे के आदी भी थे, उनसे रोक के पूछा, बेटा तुम इस प्रकार की हरकत क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में हमारे मम्मी नहीं और पापा नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हम घूमे नहीं तो क्या करें। तो वहीं से हम लोग के दिल में थोड़ा सा धक्का लगा और हमने वहीं से ठान लिया कि आज इन बच्चे लोग को हम लोग ही पढ़ाएंगे और उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और स्कूल में एडमिशन भी कराएंगे। और वो बच्चों को उनका फिर हम लोग धीरे से हम लोगों ने सब स्टाफ मिलकर लालन पोषण करने लगे। उसको देखते देखते धीरे धीरे चार बच्चों से आज जनसंख्या हमारी श्री प्रयास से जिस पर्सन सोसाइटी में 150 से 200 की हो गई है। यहाँ सब गरीब बच्चों को हम लोग यहाँ पर सभी स्टाफ कर्मचारी मिलकर सहयोग करते हैं और उनके भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने सारे बच्चे हो गए, आप चार बच्चे से स्टार्ट किए, लगभग 200 के हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको संकट होती होगी, या इनका आर्थिक कैसे मैनेज करते हैं? आर्थिक संकट हमें पहले होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे साथ में प्रयास संस्था में बहुत से लोग जुड़े हैं जिसमें कर्मचारी भाई भी हैं और साथ ही साथ हमारे सीएसपी सर कृष्णा पटेल सर, टीआई याकूब मेमन सर और हमारे एसपी सर, आईजी सर और डीजीपी सर भी हमें अब सहयोग करते हैं। और कुछ हमारे कर्मचारी भाई जब हमें तनख्वाह मिलता है तो उसमें से एक एक 2-2 हज़ार रुपये हर महीने हम फ्री एक प्रयास एजुकेशन सोसाइटी के लिए एकत्रित करते हैं और उसी से इन बच्चों के लिए कॉपी और किताब खरीदते हैं। इन्होंने चार बच्चों को लेकर पूरे एक संस्था की स्थापना कर दी है और यहाँ पे सैकड़ों बच्चे अपने भविष्य को रहे हैं। अगर आप इनका मदद करना चाहते हैं तो प्रयास संस्थान में आकर आप उनको आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। कैमरा में राहुल के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस। तो ये तो वास्तव में बहुत ही अच्छा काम है। पुलिस की नॉर्मल जो वर्किंग है और जिस तरीके से लोग उसको समझते हैं, सबके मन में आम धारणा है और खास करके पुलिस के सिपाहियों के बारे में तो यही धारणा है कि वो तो बदमाशी होते हैं, लेकिन कोई सिपाही जो इतना अच्छा काम कर सकता है, और इसमें 3-4 सिपाही हैं जिनकी महेश और 2-3 और जिन्होंने इतनी मेहनत से ये काम किया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।